आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आगरा में 3 युवक भेजे जेल, तिरंगा यात्रा में लगाए थे पाकिस्तान समर्थन में नारे, बोले गलती से हुआ ये। गोकुलपुरा के रहने वाले युवकों से जांच एजेंसियों ने की पूछताछ, अब युवक बोले जल्दबाजी के चलते हुआ, नहीं थी ऐसी मंशा। किसी ने भीड़ में बोल दिया पाकिस्तान, उसके बाद उनके मुंह से निकल गया जिंदाबाद। लोहा मंडी इलाके में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा के दौरान पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी में आरोपित 3 युवकों को पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। आरोपितों से जांच एजेंसियों ने घंटों पूछताछ की। युवकों का कहना था कि जल्दबाजी के चलते ऐसा हो गया, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान किसी ने पहले पाकिस्तान बोल दिया, उनके मुँह से जिंदाबाद निकल गया। युवकों ने कहा कि उनकी मंशा खराब नहीं थी। इंटरनेट मीडिया में मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक्टिवा सवार 3 युवक हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल थे। नारे लगाने के दौरान तीनों युवकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर दी। मामले में लोहा मंडी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि आरोपितों फैजान शादाब और मुहज्जम निवासी कंगी गली गोकुलपुरा को गिरफ्तार किया गया है। तीनों चप्पल बनाने के कारखाने में काम करते हैं। खुफिया एजेंसियों ने युवकों के मोबाइल भी चेक किए। प्रारंभिक छानबीन में युवकों के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। रिमांड स्वीकृत होने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया।